बांसूर के घटिया जोहड़ में बारिश का पानी भरने से कच्ची बस्ती के मकान डूबने का मामला प्रकाश में आया। कच्ची बस्ती के लोगों का जीवन बना दूभर। खुद नाव बनाकर घरों से निकाल रहे जरूरत का सामान। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर लिया स्थिति का जायजा। कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जी हां, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने नगरपालिका के अधिकारियों को कच्ची बस्ती के लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि कुछ देर बाद जोहड़ का पानी निकाला जाएगा, अभी ये अवैध निवास है या वैध ये बाद में देखा जाएगा, पहले डिजास्टर में फंसे लोगों की मदद प्राथमिकता है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह, तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौर, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विशाल यादव सहित थाना अधिकारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम इतने इतना पैसे लगा दिया, बताओ अब हम खा जाएंगे तो यह इतनी सी तमाशे हाथ छोड़ना ये रोड नाले की सुविधा करो। हाँ, ये जोहड़ जो है इसमें क्योंकि नेचुरली जोहड़ जो है वो पानी के भराव का ही जगह होता है और रूटीन में पानी भरता है, किंतु इस समय बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है और कुछ लोगों के मकानों में पानी चला गया। तो ये जो इस बस्ती में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए निश्चित रूप से बहुत, उनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है, उनका जीना दुर्भर हुआ है। तो उसके लिए अभी हम कल भी यहाँ पे प्रयास हुए थे, कुछ पानी निकाले थे, मड पंप वगैरह दो तीन दिनों से नगरपालिका बांसूर और यहाँ का जो प्रशासन है SDM वगैरह लगे हुए हैं और कल कुछ मड पंप से पानी निकाला था, कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की थी और अब हम वापस इसमें जो है पानी इसको निकालेंगे, पानी रास्ते के माध्यम से रास्ता निकाल कर पानी निकलवाएंगे। तो खाने पीने के लेकर अभी भी जैसे इनको ऑफर किए गए हैं तो नगर पालिका प्रशासन जो है इनको फूड पैकेट देने के लिए रेडी है और इनको फूड पैकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैम एक बात और सामने, इस समय वैध अवैध कोई इशू नहीं है, ये डिजास्टर का टाइम है और हमको सबसे पहले जो है डिजास्टर से लोगों को बाहर निकालना, वैध अवैध जब नॉर्मल रूटीन टाइम होगा उस समय देखेंगे। मैम इनका एक मकान है जो कि बिल्कुल अभी यही मतलब आग्रह करूंगी, यदि मकान रिस्की है और मैं इनको कहके भी जा रही हूँ, यदि रिस्की है तो इनके इनके दूसरे जगह ठहरने की भी व्यवस्था की जा सकती है। मैम इन्होंने स्वयं की नाव बनाई है तो इस तरह से टेम्पररी अरेंजमेंट करना और वो बहुत रिस्की है लाइफ के लिए, स्वयं की नाव बनाना और ये सब, इसके बजाय बेटर ये है कि किसी सेफ प्लेस पे इनको मतलब हम शिफ्ट कर सकते हैं और नगर पालिका प्रशासन उसकी व्यवस्था।